Namaskar. Cook It Up with Tarla Dalal. Friends, today's special is going to be really, really special. घर के खाने से तंग होकर जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं, आपका तो पता नहीं, but I always end up at my favorite Chinese joint. And of course, अगर घर पे कभी कोई unexpected guest आ जाए, तो I always rely on my Chinese home delivery guy. पर क्या करें, इस Chinese food में कभी तो पंजाबी तड़के का स्वाद आ जाता है और कभी देसी छोंक का. Trust us Indians for such a global taste. पर घबराने की कोई बात नहीं. आज जो हम Chinese food सीखने वाले हैं और उसे उसके बाद खाने वाले हैं, वो बहुत ही authentic होगा. क्योंकि उसके बारे में हमें बताने वाली हैं none other than तरला दलाल. आइए तरला. नमस्कार. आप जनाब क्या पट्टी पढ़ा रहे हो लोगों को? लो कर लो बात. एक तो तब से मैं इनकी तारीफ करे जा रहा हूं और यह है कि इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. अभी बात बनाना बंद कर. तो आज हम सबसे पहली चीज क्या बनाने वाले? सेसमे फिंगर्स. तला जी, ये सेसमे फिंगर्स मैं कुछ समझ नहीं पाया. मैं बताती हूँ. जी. ये क्या है? ये तो तिल है. तिल? वही तो सेसमे. अच्छा अच्छा. हाँ. तिल है हिंदुस्तानी और खाने वाले का दिल भी हिंदुस्तानी. अभी तुम जल्दी जल्दी काम करो, गाना मत गाना. ओके, मैं गाना नहीं गाता हूँ और जल्दी जल्दी काम शुरू करता हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी खा भी सकूँ. राइट. तो मैं क्या करूँ सबसे पहले, आप मुझे बताइए. अभी हम शुरू करते हैं काम. जी. पहले एक गैस चालू कर चाहिए. ये वाली गैस चालू करते हैं. हाँ जी. ये चाहिए अपने को फाइन कटिंग. छोटे छोटे टुकड़े करने हैं? एकदम छोटे छोटे. ओके ओके. तो ये है फाइन कटिंग. ये है हरा प्याज, ये है गाजर, ये है फ्रेंच बीन्स. अच्छा तरला जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा. हाँ कि हम ये हरी सब्जियों के इतने छोटे टुकड़े क्यों करते हैं? नहीं तो वो बैठेगा नहीं ना स्नैक्स के लिए. बस थोड़ा सा तेल. और एक याद रखना, जब हम चाइनीज खाना पकाते हैं उसको हमेशा हाई फ्लेम. चाइनीज खाने के लिए हाई फ्लेम चाहिए? हाँ. धीमे 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 पकाओगे तो स्वाद ही नहीं आएगा उसका. तो याद रखिएगा कि जब भी आप चाइनीज खाना बना रहे हो तो आपका स्टोव जो हो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ किया हो ताकि उसमें से फ्लेम बढ़िया निकले. जी. बहुत ही सिंपल है. और ये उबला हुआ आलू अच्छी तरह मैश किया हुआ है. तेल गर्म हो गया. ये सब सब्जियां डाल दी. सारी सब्जियां डाल दी. हाँ जी. आप मुझे उठा के देते जाइए, मैं डालता हूँ. हाँ, सब सब डाल दी. ये गई गाजर, को यहीं रख देता हूँ. हाँ, कोई हरकत नहीं. फरस बीन्स, फ्रेंच बीन्स. बीन्स गए. ये कैप्सिकम है. शिमला मिर्च. राइट. ये है सेलरी. ओके. पर एक बात मैं बोलूं, इसमें से कोई एक सब्जी नहीं होगी तो चलता है. अच्छा. बनेगा. यानी एक आध सब्जी कम ज्यादा हो सकती है. हाँ हाँ हाँ, आराम से बनेगा. और ये हरा प्याज. हरा प्याज है. अच्छा. ये हरा प्याज पत्ते के साथ काटा हुआ है. अभी थोड़ा सा अजीनोमोटो डालते हैं. जी. ये क्या करता है, ये जो हम डालेंगे ना तो इस सब्जी की खुशबू बढ़ा देता है. जी. और जल्दी पक जाता है. ओके. यही कारण है. पर कोई कोई लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो ये मत डालिए. अच्छा, यानी कि ये अजीनोमोटो मत डालिए. अच्छा, ऐसे ही भी बढ़िया बनेगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा. अभी डाल देंगे. क्या पक गया अभी? अभी ये है मैश पोटैटो. मैश पोटैटो. जी. और ये है सोया सॉस, नमक, स्वाद अनुसार नमक. सोया सॉस में हमेशा नमक होता है. जी. थोड़ा सा नमक कम डालें. ओके. और लाल मिर्च. जी. थोड़ी. बस अभी दो तीन मिनट पकाओ. ये अपना मिश्रण किसके लिए तैयार हो गया? सेसमे फिंगर्स के लिए. सेसमे फिंगर्स के लिए. अभी ये भी तेल गरम रखा है ना तुमने? जी, ये तेल भी बिल्कुल गरम है. बस बस, तो अभी हो जाएगा. अब इतना गरम हो चुका है कि ये अभी ये इसमें डाल दे. अच्छा? ये तो चाइनीज खूबी है ना कि सब दो मिनट में पक जाता है ना. जी जी. दो तीन मिनट ज्यादा से ज्यादा. अभी हम उसे थोड़ा क्या करने दे, ठंडा. अच्छा. पहले एक काम करती हूँ, ये ब्रेड पर लगाने से पहले ठंडा होते थे तब मैं उसका मैदा का मिश्रण तैयार करके रखती हूँ. ये है एक कप मैदा और अंदर डालेंगे आधा कप पानी. ये क्यों हम डाल रहे हैं मालूम है तेरे को? नहीं. ये हम ऊपर लगाएंगे ताकि ये ब्रेड पर जो वेजिटेबल लगेगा ना, ये छूट नहीं जाएगा, वो मैदा उसे पकड़ लेगा. अच्छा.
अच्छा, यानी कि उसको ये वेजिटेबल जो हमने बनाई है ये स्लाइस पे चिपक जाती है? हाँ, ये मैदा से वो चिपक जाएगा और छूट नहीं पाएगा। तला जी, ये तेल तब से आग बबूला हुआ जा रहा है, मैं इसका क्या करूं? तेरे को इतनी जल्दी है, मैं क्या करूं भाई साहब? उसको थोड़ा ठंडा तो होने दे बाबा, अभी बराबर हो गया जी। बस अगली स्टेप देख ले। तो मेरे हाथ में है ब्रेड स्लाइस जी, और उसके ऊपर क्या डालेंगे हम? ये सब सब्जियां है ना, ऊपर बराबर बिठाना है। अभी हम इससे किसे, अभी ये अपने जो मिश्रण बनाया ना जी, ये देखो अभी मैदा चिपक लग गया है ना जी, ये मैदा ये सब्जी को पकड़ लेगा ऐसे। हाँ हाँ, ये देख लेना कि उसकी किनारी है ना जी, वो मैदा से ढक गई। ओके, जिसको नहीं तलने का होगा ना ऐसे अच्छी तरह दबा के तवे पर सेक लेने का, वो भी होएगा, वो फिर मैदा लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये हो गया है ना जी, अभी सुधांशु जी इसके ऊपर तिल छिड़को, हिंदुस्तानी तिल को छिड़कता हूँ। तिल छिड़को बस थोड़ा ये बैच। अच्छा, अभी और उसको हम क्या बात, अभी उसको सिसमे फिंगर इसको उल्टा करना। हाँ, करेक्ट, अभी हो गया, बस अभी इसे निकाल ले। अब इसको निकाल दूँ? क्या बात है। और वो पेपर है ना, उसके ऊपर रखते हैं हमेशा, कोई भी चीज तले गया ना जी, पहला उसको उल्टा रख दे। हाँ, ऐसे पेपर पर रख देने का। हाँ, तो पेपर सब वो जो घी तेल जो पिया हुआ है ना जी, वो सब पेपर पी जाता है। पेपर पी जाएगा। तो तला जी, इसका तेल अब सोख गया है। हाँ, तो अब मैं इसको निकाल के इसके टुकड़े करूँ? अभी उठा ले जी और उसके तीन टुकड़े कर दे। किसी भी करेक्ट नो, नॉट इन बिटवीन, यू मेक थ्री इक्वल डिविजन। हाँ, जोर से। हाँ करेक्ट, अभी काटना सीख गया तू? हाँ, बचपन से काटता रहा। अरे हाँ, देख अब ये तीनों यहाँ पेट पे सजा दे। ये प्लेट रखी है ना मैं तेरे लिए, बीच में चिली सॉस रखा है, जब मेहमान आएगा तब परोसने का। ये हो गए अपने सेसमे फिंगर्स। ब्यूटीफुल। सेसमे फिंगर्स बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड स्लाइसेस 4, चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस 4, चॉप्ड कैरेट्स 100 ग्राम, चॉप्ड फ्रेंच बीन्स 100 ग्राम, चॉप्ड कैप्सिकम 1, चॉप्ड सेलरी 1 टेबल स्पून, अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून, मैश्ड पोटेटोज 2, सोया सॉस 2 टीस्पून, चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, मैदा 1 टी कप, ऑयल 4 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, ऑयल फॉर डीप फ्राइंग आल्सो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेसमे सीड्स 1/4 कप। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके उसमें कटा हुआ गाजर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, सेलरी, स्प्रिंग अनियंस, अजीनोमोटो, मैश पोटेटोज, सोया सॉस, नमक और लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करके सौते कीजिए। लेट इट कूल। अब बैटर बनाने के लिए एक बोल में मैदा लीजिए और पानी को मिक्स करके पेस्ट बनाइए। ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर सौते वेजिटेबल्स को स्प्रेड करके मैदा पेस्ट के साथ सील कीजिए और ऊपर से तिल स्प्रिंकल कीजिए और अब इन स्लाइसेस को डीप फ्राई कीजिए। पतले स्ट्रिप्स में काट कर चिली सॉस के साथ सर्व कीजिए। सेसमे फिंगर्स खाने के लिए तैयार है। आई हैव स्टार्टेड विद द स्टार्टर्स, नाउ आई कैन वेट फॉर द मेन कोर्स, है ना तला जी? तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? अब बना रहे हैं चाइनीज बारबेक्यू। बारबेक्यू है? आग किधर है? अंगीठी किधर है? ग्रिल किधर है? यही हमारी आग है, यही मेरी अंगीठी है यहाँ, तो देख ले कैसे। चिकन किधर है? ये हमारा वेजिटेरियन बारबेक्यू। वेजिटेरियन बारबेक्यू? व्हाई नॉट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं? लेट्स स्टार्ट। ये है ना, पहले सब्जियां, पहले मैं सब्जियां समझा रही हूँ, कोई भी ग्रेटर लेके सब सारी सब्जियों को पहले, हाँ बड़ा ग्रेटर के लेके किस लेना। ये है क्या है, कैबेज। ये कैबेज है। ये है प्याज, स्लाइस अनियंस। ये है बीन स्प्राउट्स, चाइनीज बीन स्प्राउट्स। ओके, समझ गया। ये है बड़ा कसा हुआ गाजर। ओके, लंबा लंबा कसा हुआ गाजर। ये है स्लाइस टमेटोज।
ओके, टमाटर को भी स्लाइस कर, स्लाइस कर दिया। ओके, और ये है हरा प्याज पत्ते के साथ कटा हुआ, पत्ते के साथ कटा हुआ हरा प्याज। और ये लंबा लंबा कटा हुआ शिमला मिर्च, कैप्सिकम, दैट्स राइट। ऑलराइट, तो ये सब अपना अपनी सब्जियां। और ये है बॉइल्ड नूडल्स जी। ये क्या है? बॉइल्ड नूडल्स। नूडल्स अभी तेरे को मसाला समझा रही हूँ जी। लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी, लहसुन और लाल मिर्ची पिसा हुआ टुगेदर। और ये है विनेगर में डाली हुई हरी मिर्च। ओके, सफेद व्हाइट विनेगर में डाली हुई हरी मिर्च। ओके, मतलब विनेगर जी। ये है वेरी फेमस इज चिली ऑयल। चिली ऑयल, हाँ, तेल को गरम करने का और मिर्ची के बड़े बड़े टुकड़े करके गरम होने के बाद डाल देने का और ढक देने का, एक दो घंटे के बाद उसको छान लेने का। ये तेल किस चीज का है तरला जी? ये तेल अपना वही नॉर्मल तेल है। और ये है तो सोया सॉस तेरे को मालूम है जी। और लास्ट इज व्हाट डू, ये है अदरक है ना, कसा हुआ अदरक जी, उसको पानी में अंदर डाल देते हैं, पानी में भिगो के रखते हैं। हाँ, तो क्या ऊपर का पानी वो कुकिंग करते लिए। ओके, तो ये पानी में कितनी देर तक भिगो के रखना चाहिए? दो घंटे पहले। दो घंटे पहले, ओके। ये सब तैयार करके रखोगे जी, तब अपना काम चालू होएगा। अभी चल गैस चालू कर, गैस चालू करता हूं। ओके, दोनों गैस चालू कर। ये रही पहली, ये रही दूसरी, ये भी गर्म भी है। हाँ, तो ये हो गई चालू। और ये मैंने रख दिया इसमें बर्तन। कौन सी सब्जी चाहिए तेरे को पूरी? मुझे तरला जी इसमें से एक एक सब्जी चाहिए। हाँ बोल, यानी कि हर सब्जी चाहिए, हर सब्जी चाहिए, हर सब्जी चाहिए। ओके चलो, मुझे ये वाला प्याज भी चाहिए, वो वाला प्याज भी चाहिए। चलो पहले हम प्याज बनाते हैं। हिंदुस्तानी मिर्च भी चाहिए और शिमला मिर्च भी चाहिए। अपने अभी ले इसको हला, प्याज को दो मिनट होने दे खाली। और उसका एक बार जो हम पाव बनाते हैं जी, ब्रेड गरम कर ले तेरे लिए, कड़क ब्रेड। ये ब्रेड है ना पाव भाजी की ब्रेड लेने की जी। और इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन, इफ यू लाइक लिटिल लहसुन। अच्छा, लहसुन भी लगा सकते हैं। और ऊपर थोड़ा सा तिल। और इसको यहाँ पे गरम, अभी हो गया क्या प्याज? हाँ, ये हो गया। डालेंगे अब इसमें हम कैबेज डालेंगे, स्प्रिंग ऑनियन। अभी इसमें हमने प्याज डाल दिया, हाँ? हरा प्याज डाल दिया और कैबेज डाल दिया। अब हम इसमें गाजर डालने वाले हैं और गाजर डल गई। तो इसमें इतनी गाजर काफी? तेरे लिए अकेले के लिए बना रहे ना? अरे, मैं अकेला सात के बराबर हूँ तरला जी, आप क्या बात कर रहे हैं? ओके ओके, तो ज्यादा डाल दियो बस तेरे लिए। ये है क्या? ये टमाटर है, टमाटर, कैप्सिकम, ये पड़ी शिमला मिर्च, और पड़ी ये पड़े बीन स्प्राउट, बीन स्प्राउट। अभी मसाला गिरने लगेगा। अभी ये है क्या है? अभी ये जिंजर वाटर। क्या तुम हिलाते जाओ? अच्छा, मैं हिलाते जाओ, हिलाते जाओ। ये क्या है? तीखा चाहिए ना तेरे को? जी, तो मुझे बहुत तीखा चाहिए। और मैं जिस हिसाब से हिला रहा हूँ, मुझे अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। मुझे अपना नाम सुधांशु की बजाय हिलांशु पांडे रख लेना चाहिए। अब ये है सोया सॉस, ये है सोया सॉस, और ये है जी चिलीज इन विनेगर। अभी थोड़े से नूडल्स, ये पड़े नूडल्स। और नमक तो नहीं डाला, तो डालेंगे अभी नमक। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ये होने लगता है ना तब डालते हैं थोड़ा सा चिली ऑयल, उससे फ्लेवर आ जाती है। चिली ऑयल, हाँ, उससे क्या होती है फ्लेवर, फ्लेवर आ जाता है, आ जाती है। अभी बराबर हिला दे। अब तू इसमें डाल दे जी। ये चिली ऑयल तो वाकई में काफी चिली है तरला जी। ब्रेड कितना बढ़िया हो गया। हाँ, ब्रेड तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब दोनों गैस बंद करते हो, करती हूँ, और ये अंदर डाल दे। अच्छा, और तेरा खाना तैयार। आप लोग समझ रहे हैं ना इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं इसे खाने वाला हूँ, कढ़ाई बहुत गर्म है। क्या बात है, मेरा खाना तैयार हो चुका है। चाइनीज बारबेक्यू बनाने के लिए आपको चाहिए श्रेडेड कैबेज एक बोल, स्लाइस्ड अनियंस एक, बीन स्प्राउट्स एक बोल, ग्रेटेड कैरेट्स एक बोल,
स्लाइस टोमेटोज एक बोल, चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस एक बोल, स्लाइस कैप्सिकम एक बोल, बॉयल नूडल्स एक बिग बोल, चिली गार्लिक पेस्ट एक बोल, ग्रीन चिलीज इन विनेगर एक बोल, चिली ऑयल 2 teaspoon, सोया सॉस 2 teaspoon, जिंजर वाटर 2 tablespoon, ऑयल टू कुक, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्रेड यानी कि पाव टू सर्व विद, बटर और गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें और साथ ही साथ एक पाव में मक्खन और गार्लिक पेस्ट लगाकर सेंकिए। प्याज के फ्राई हो जाने पर उसमें कैबेज, स्प्रिंग अनियंस, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, बीन स्प्राउट्स, जिंजर वाटर, चिली गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, चिलीज इन विनेगर, नूडल्स और नमक ऐड करके फ्राई करें। थोड़ा सा चिली ऑयल ऐड करके उसे स्टर करें और गार्लिक ब्रेड या गार्लिक पाव के साथ सर्व करें। आपका चाइनीज बारबेक्यू तैयार है। मजा आ गया। बेचारे मेरे होम डिलीवरी वाले का तो एक कस्टमर परमानेंटली गया। तला जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। मजा आ गया ये खाके। लेकिन एक बात बताइए, जो आपने इसमें चटपटा और तीखा सामान डाला है उसको खाने के बाद मेरी जबान पे तो आग लग जाएगी। तो तेरे को क्या चाहिए, बोल रहा। मीठा और ठंडा। ओके, तो हम क्या खाने वाले हैं? हम बनाएंगे हनी नूडल विद वैनिला आइसक्रीम। हाय हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, बहुत मिर्च लग रही है। तल्ला जी, मैंने आपको बोला था ना, बहुत मिर्च लग रही है। जल्दी से शुरू करें। आप मुझे बताइए क्या करना है ये आइसक्रीम बनाने के लिए। हाँ, चल चल, ये बहुत आसान है। ये समोसा पट्टी ले। अच्छा, ये बाजार में मिलती है। उसको ऐसा ऐसा गोल गोल कर दे पहले। ओके, और फिर उसको काट दे। इसको काट दे। ओके, राइट, करेक्ट, यस। और ये मैं काटने के बाद इसको डालने जा रहा हूँ तेल में। तल दूं? तेल, हाँ। ओके, एक मिनट। हाँ, डाल दे। मैं कहा ये हो गया। हाँ, अच्छा, this is ready। या या, लाइए मैं निकालूँ? यस, हाँ, एक ही मिनट का काम है। हाँ, always on the paper, now you learn that lesson। हाँ, ताकि वो सारा तेल सोक कर ले। तो तेल निकाल के निकाल। हाँ, अभी हम बनाएंगे हनी सॉस। अभी एक गैस चालू कर। हाँ जी, अभी हम डालेंगे 2 tablespoon ऑफ वाटर। शुगर की प्रॉब्लम हो वो लोग ये नहीं खा सकते हैं या शुगर फ्री वाली शुगर डाल के खा सकते हैं? हाँ, अब ये है, क्या है, हनी। मुझे लगता है शुगर फ्री में बनाने का तो हनी साथ क्यों ना खाए। अकेला हनी गरम करके लेमन जूस के साथ अच्छा लगेगा। You should definitely eat it with your honey. बस अभी इसको गरम कर दे। Honey? 2 minutes में गरम हो जाएगा। A few drops of lemon juice if you like it. Otherwise not necessary. Okay. बस इसको गरम होने दो। ये देख मेरा सॉस बढ़िया बन गया। हाँ, सॉस तो बढ़िया बन गया। बन गया है ना? जी। अब ये नूडल तो इसके अंदर डाल दे। Okay. डाल दिया? जी। अभी वो 2 चम्मच है ना, वो बड़े तेरे हाथ में ले। अभी डालने का थोड़ा सा सॉस। जी, बस ये लोग गरम गरम देते, खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छा, अब इसे मैं मिक्स करूं? ओके। अब तू चख के देख कैसा लगता है और फिर बाद में फ्रिज में से वैनिला आइसक्रीम लेके आ। ओके, ये तो बहुत कमाल का बना है। अच्छा है ना? एक काम करते हैं, पूरा मजा आ जाए इसके लिए मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी दौड़ लेके आ। वो प्लेट में बाजू में रख। ये रही आइसक्रीम और ये रहे नूडल्स। ये पहले आइसक्रीम प्लेट में डाल दे। नाइस, राइट। अब डाल ऊपर नूडल्स। करेक्ट, राइट, यस। बस हो गया तेरा, बहुत बहुत हो गया। और फिर डालेंगे अमूल। और ये हो गया तुम्हारा। That was not difficult at all. Honeyed noodles with vanilla ice cream बनाने के लिए आपको चाहिए समोसा पट्टीज 10 strips,
शुगर 4 टेबलस्पून, हनी 4 टेबलस्पून, लेमन जूस अ फ्यू ड्रॉप्स, पानी 2 टेबलस्पून, वनीला आइसक्रीम टू सर्व, रोस्ट किए हुए आमंड्स गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले समोसा पट्टीज को पतले स्ट्रिप्स में काट कर डीप फ्राई करें जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब दूसरे पैन में हनीड सॉस बनाने के लिए 2 टेबलस्पून पानी, चीनी, हनी और लेमन जूस डालकर मेल्ट कीजिए। इस सॉस को फ्राइड नूडल्स के ऊपर पोर करके हल्के हाथ से टॉस करें और वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें। हमारा हनी नूडल्स विद वनीला आइसक्रीम खाने के लिए तैयार है। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद लॉट्स मोर फ्रॉम तरला जी। टिल देन हैव फन कुकिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।